रोल कर तो रहे हो, कमेंट में लोग तुमको 100 गाली देते हैं। किस चीज़ के लिए? इतना मतलब इतना घटिया ऑडियो क्वालिटी, इतना घटिया ऑडियो क्वालिटी, कैसा है ये? प्लांट कराया गया था क्या ये आईफोन? हाँ, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हाँ, पहले पैसा दे रहे हैं तुमको? नहीं यार। हाँ नहीं, या फिर आईफोन बांट रहे हैं? नहीं, ये ऐसे कि होता है ना, आईफोन ले लिया है भाई ने। अरे चलो हम आईफोन लंबे समय से यूज कर रहे हैं। चलो ये बताओ, भले बात मत घुमाओ, वो इतना घटिया ऑडियो क्वालिटी कहाँ देते हो यार? आ गई थी यार, पर पता नहीं था इतनी हवा चल रही है, उसको डिनॉइस कर दिया। हाँ, घुसे चले आओ यहीं पे। बिल्कुल, लोग इतना गाली दे रहे हैं तुमको। हमको आइडिया नहीं था, हम अकेले। ध्यान रखें, लोगों को दिखना चाहिए ना कि बाकी लोगों को भी माइक नहीं लगा है। आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो माइक लगा के कर रहे हैं अलग से। सब लोग सब सफाई भी, शॉपिंग भी, सब। कितने दिन से निकलो यात्रा पे? 3-3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने से ना? वाह, 3.5 महीने से होकर निकल गया। ये तो मतलब सच में ये मतलब ये दाद देने की बात है कि आयुष और जेरी 3.5 महीने से, जेरी तो बीच में घर भी गए थे 5-7 दिन के लिए, और 3.5 महीने से निकले हुए हैं ये लोग, और इसको अभी तक नहीं समझ में आया कि फ़ोन पे फुग्गा लगाना होता है, माइक वाला। अरे कहीं कहीं यार ऐसे भी आ जाता था ठीक, उससे बिना फुग्गे से। फुग्गा में वो होता है ना कि वो आगे खिसक आता है तो बाबा टाइप का दिखता है वो। अच्छा हाँ, कौन फोन कर करके मूड खराब करती यार। हम लोग आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ के जोक्स आ रहे हैं बार बार। आजमगढ़ के जोक, आजमगढ़ तो मऊ के बीच में हम लोग घूम घाम रहे हैं गुरु। और अभी आज जैसे हम लोग कुछ मऊ में कुछ लोगों से मिले और शाम को आज भाई अपलोड कर दियो ब्लॉग, अनाउंसमेंट कर रहे हैं आज अपलोड कर दियो। हाँ, भाई। हाँ, 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 हो जाएगा। आज शाम को आजमगढ़ में टिकटैक है हम लोगों का, गपशप है लोगों से। और जब जिस दिन ब्लॉग में ये अनाउंस होता है कि आयुष जी इसको जल्दी से अपलोड कर देंगे, आयुष जी को उसमें रात में 9 बजे अरे अपलोड नहीं किए ऐसे, अरे भूल गए कल सुबह कर दें। मतलब भाई आज शाम की बात हुई, तुम कल सुबह कर रहे हो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। हाँ क्या है करते हो ऐसा? कल कितने दिन बाद आयुष जी ने मतलब खूंटा गाड़ा है उन्होंने। कल इन्होंने कहा कि सर लाइव किया जाएगा। हम लोग नहीं, लाइव का बहुत दिनों से बन रहा था कि लाइव करते हैं। इंटरनेट भी नहीं मिलता था ना। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक, इंटरनेट मिल गया हम लोग। हम लोग को मतलब एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम लोग को इंटरनेट बहुत जगह अच्छा नहीं मिलता है। मतलब इतना घटिया मिलता है कि मोबाइल पर भी मतलब इंस्टाग्राम पर रील्स भी नहीं चल पाता है हम लोगों का। तूने और रंगीला कैसा जादू किया, ओ नो ओ नो ओ नो 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 नो, यू सी दिस गाय नंबर 1 बोला गाई। तो ये सब कितने फिक्स टेम्पलेट, मतलब यही दिमाग में गूंजते रहते हैं। नहीं, और मतलब किसी का थंब लगा देना चाहिए, यू सी दिस गाय। हाँ, अरे हाँ, थंबनेल लगा देना चाहिए किसी का। आज इसके ब्लॉग का लगा देते हैं, देखते हैं। हाँ, तो कल हम लोगों ने यार लाइव किया। वो लाइव तो पड़ा ही हुआ है हम लोग के चैनल पे, वो देख सकते हैं आप। उस लाइव में जेरी जी बार बार आते हैं एयरपॉड लगा के। फिर एक बार जेरी जी उस लाइव में एक बार ऐसे पगली घंटी होती है जेल में। पगली घंटी सुने हो कि नहीं? जेल में होता है पगली घंटी है, उसको कहते हैं कि जेल ब्रीच के समय में वो बजाई जाती है। हाँ, या जेल से कुछ होता है या कभी कभी होता है किसी फॉल्ट की, ऐसे अक्सर ड्रिल में बजती है। तो पगली घंटी, तो जेरी जी ने रूम की पगली घंटी बजा दी। घंटी मतलब पे 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 लभी चलाई में। हमको आई एम लाइक कि ये कौन फ़ोन कर रहा है लाइव के बीच में। हम उसमें आ गए। हाँ, और जेरी जी तो फिर आए, जेरी जी लीजिए 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 ऐसे कर फ़ोन लेकर आए अपना। ऐसे फ़ोन ला के लगा दिया। लीजिए बात कीजिए। हम देखे अरे सौरभ द्विवेदी। हाँ, बोले 2 दिन पहले मैं किताबों में बात कर रहा था। किताब पढ़ने तरीकों में बात कर रहा था। फिर वैसे उसको स्क्रीन के सामने लगाया गया। हम लोगों ने कल लाइव किया, लगभग 45-45 मिनट का लाइव था। हाँ, है ना। पहले हमारे पे आया था फोन, लेकिन हमारे पे एक व्यक्ति और फोन कर रहा था सुल्तानपुर से। अच्छा, हमको फोन साइलेंट पे रखना पड़ा। तो जब उनका आया तो हमने उठा नहीं पाए, फिर जेरी के पे आया। अच्छा, जेरी के पे आया। और जेरी जी आज ये उन्होंने कहा था कि व्लॉग शूट शुरू होगा तो एक कविता वविता सुनाएंगे। हाँ, तो शायरी वायरी भी सुनाएंगे, ये सब भी उन्होंने आज ये भी आज हाँ बोल दिया। मज़ेदार, इसके एक्सप्रेशन देख कितना मज़ेदार लगा ना। जेरी लाइक ये कब हुआ बताओ जेरी? ऐसा मैं बोल देता हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं होता कि मैंने कब बोल दिया है ना। आज तो यार आयुष भी बोल रहा है कि हम लोग हमको फंसाते हो तुम लोग की, हमको फंसाते हो कि आप बोले आप केवल झूठ बोल रहे हैं। आयुष भी हाँ बोला है, पता आयुष तुम तो बोले हो ना। हाँ यार एकदम बढ़िया लगा आपका प्लॉट। मुझे लगा मैं अभी भागी हो जाता हूँ। हाँ बताइए जेरी जी कैसी की रात? लोग कल के लाइव में और कल के व्लॉग में चिंता जता रहे थे कि जेरी सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं, और इस वजह से हम लोगों ने आज आपको सोने दिया। कितने बजे तक? हमने उठाया ही नहीं आपको। तो आज हम उठाए क्या? हम उठाए आज, बताओ ये तो झूठ नहीं है ना। हमको बोल के भेजा था कि उसको उठाओ। हाँ ये जागा हुआ था, लेकिन जागा हुआ था ये पहले ही से। मैं आया कमरे में तो मैंने मैसेज पड़ा हुआ था तुम्हारा फ़ोन पे, मैंने देखा तो तुम्हारा तुम को जगाए तो नहीं ना? नहीं ना, इतना गिल्ट देने के बाद कह रहे हैं कि मैंने तो भाई कहाँ देखो कोई रो देगा लगता है। गलत कोई ना कोई देगा तो। नहीं मैं आज नहीं रोऊंगा, मेरा कल हो गया, मेरा लकोटा हो गया। तुम लोग की बारी है आज। तुम आज हम लोग मस्त वहाँ वो वॉक करने गए थे ना भाई। आज हम लोग मस्त वॉक करने गए। उसकी शुरुआत होती है कल से। हाँ जब मैंने आपको मैसेज डाला था भाई। अरे ये पता ही नहीं तुमको, तुमको ही नहीं पता होगा। कल शाम की गपशप हुई, और गपशप जो होती है शाम वाली ना काफ़ी इंटेंस हो जाती है। और क्यों किया था इसने यही बताएगा आयुष, लेकिन उसका ये था कि गपशप बहुत इंटेंस होती है, घंटा सवा घंटे की बहस बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा इंटेंस। को आप लोग बोल रहा है, आपको सुनना है, आपको चुप कराना है, आपको सबको मौका देना है। तो थक के आए गाड़ी में और उतना देर फ़ोन देखते नहीं है आपकी क्या है, क्या अपडेट, कोई मेल कोई मैसेज क्या आया, कुछ पता नहीं चलता है। गाड़ी में आया, मैंने मैसेज देखा कि आधे घंटे पहले आयुष ने मैसेज किया है। आयुष गपशप के दौरान आगे पीछे टहलता रहता है। इसने लिखा कल सुबह से जॉग करने चलेंगे। पता नहीं क्यों हम बोले कि यार क्यों लिखा ये, अब मुझे क्यों लिखे तुम उसमें गपशप। अरे एक जन वहाँ पे ट्रैक सूट पहन के आ गया था तो हमको और बहुत मुझे अच्छी फीलिंग भी आ रही थी, एकदम अच्छे हाई मोड में था मैं। लेकिन आज सुबह तुम एक बार हल्का सा फिसले थे। हाँ क्योंकि कल रात लेट हो गया था सोने में थोड़ा। कल तो लेट हो गया था सोने में, तो मैंने इनको फ़ोन किया 12:30 पौने 1 हो गया था अपने को। नहीं मुझे तो 2-2:30 बज गया था थोड़ा। अच्छा हाँ हमारी नींद टूटी 6:30 पे। एक बार 6:30 पे फ़ोन देखे, बोले यार अभी तो थोड़ा सा और सो सकते हैं। एक बार लगा सो सकते हैं। फिर एक बार लाइट बुझाई, फिर 7 बजे उठ गए। फिर 5-10 के आसपास उनको फ़ोन किया था ना मैंने, तो मैंने इनको फ़ोन किया कि आयुष जॉग करने की बात है कि सोए थोड़ा कम है। कि 7:45 से चलते हैं ना, ये कहा ना। नहीं बोला 7:30। नहीं इसने तो बोला ही नहीं ना, इसलिए थोड़ा सोए कम है। हम बोले गुरु पहला दिन है आज और मज़ा आएगा, पहला ही दिन है, स्किप मत करो वरना बार बार तुमको गिल्ट आएगा मन में। ठीक है 15-20 मिनट चलते हैं। लेकिन फिर मिला, नीचे मिला हमको एकदम रेडी होके, कान पे हेडफोन लगा के। मैंने हम लोग 40 मिनट लगभग वॉक और जॉग किए हैं। हाँ। जिसमें से आयुष के कान पे हेडफोन था लगभग 1 मिनट तक, बाकी समय वो गले पे ही टंगा रहा। हुआ ये कि हम अपना बढ़िया लगा के आए थे कंटोपा, और ये अपना भूल गए थे ईयरबड्स। तो फिर अब नहीं हम वॉक पे अकेले हैं, अगर हैं तब तो हम लगाते हैं ईयरफोन वगैरह। अच्छा अब साथ में हो तो यार बात करेंगे। अच्छा ऐसा हाँ। है क्या? हाँ ऑब्वियसली तो हम लेके नहीं आते, ऑब्वियसली 2 लोग हैं तो क्या 2 लोग ईयरफोन ला के चलते रहेंगे? मुझे लगा बस मोटिवेशन के लिए ऐसे रहता है एक जन। नहीं अच्छा रहा बात करते करते वहाँ जाना। हाँ नहीं मजेदार तो था यार। और हम लोग चले गए एक जगह, बीच में एक जगह बंदर था। बीच में मतलब ये था कि सुबह बंदर सो के उठ रहे थे। हाँ। और आयुष जी थे ही साथ में। बोला अरे बंदर, ऐसे किनारे हो गया अरे बंदर। तो हम बोले कि अरे यार ये लोग भी सोते हैं रात में। नहीं बोला कि हम लोग अरे सब सो के उठ रहे हैं मस्त एकदम, कहीं टहलने वहलने जाएंगे ये सब भी। बोला ये सब भी सोते हैं? बोले हाँ भाई सोते ही होंगे। मेरा ये था कि इनका भी फिक्स रहता है क्या रात में सोने? अधिकतर रात में सोते हैं। बंदर का दिन भर चहलकदमी रहता है, वो रात में देखो वही छतों पर पड़े रहते हैं कहीं पे, या पेड़ों ओड़ों के ऊपर लेटे रहते हैं वो लोग। रात में सोते हैं वो। हाँ ज़्यादातर जानवर शायद सोते हैं, बहुत कम ऐसे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। तो गुरु ये व्लॉग तो थोड़ा देर में पहुँचेगा, लेकिन आप लोग पहुँच जाइएगा आज 2 बजे तक बरेली में हमारा अड्डा है अग्रसेन पार्क रामपुर। 2 बजे से पहले चला जाएगा व्लॉग? 2 बजे पहले चला जाएगा व्लॉग। बहुत कठिन है डगर पनघट की। देखते हैं अभी कुछ और अपलोड पे लगा हुआ है ना। तो क्या अपलोड पे लगा दियो? वो वाली जो एक थी बातचीत। कौन सी? अरे एक एक्स्ट्राज था ना वो। अच्छा वो एक्स्ट्राज में निकाल दिया उसका रेंडर। हाँ अच्छा एक्स्ट्राज में आयुष जी जो शूट करते हैं मोबाइल से, इनको पता रहता है, इनको पूछते नहीं है, एक्स्ट्राज में निकाल देते हैं। भले ही मेरा मन उसको हो कि एक्स्ट्राज में न जाएगा, ये रिपोर्ट पे जाएगा, लेकिन आयुष लाइक एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्राज में ही निकलेगा। और शुरू से ये बना हुआ है, फर्मा बना है तो। फर्मा बना है, अरे फर्मा बोलना सीख गया है भैया मेरा, अरे फर्मा बोलना सीख गया, यही आके सुना था मैंने। अच्छा फॉर्मेट कोई फर्मा बोलते हैं ना? हाँ मतलब उसका हिंदी एक आसान सा नाम है फर्मा, मतलब खांचा। फर्मा यूजुअली सौरभ द्विवेदी बोलते हैं, और स्टोरी का मीटर और स्टोरी का फर्मा, वो ये ऐसे शब्द यूज करते हैं। मैंने आपसे ज़्यादा सुना है फर्मा। हाँ फर्मा, मैं फर्मा नहीं यूज़ करता ज़्यादा। अच्छा मतलब फर्मा का इस्तेमाल करता हूँ काम में, मतलब जो फर्मा शब्द बहुत लोगों ने बोला होगा, जब आपने बोला तब रजिस्टर हुआ है, मे भी हो सकता है मैं एक आध बार बोला होगा। तो अब आज क्या है आयुष जी एजेंडा आपका? आज एजेंडा क्या एजेंडा चलाने वाले हैं आज? आज एजेंडा प्रोपेगेंडा चलेगा आज मऊ में। दलाल मीडिया, दलाल मीडिया है ना? कौन? अरे हम लोग को दलाल मीडिया बोलते हैं, हम लोग को तो बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है यार। कमेंट सेक्शन में एक मैंने देखा था कि प्रोपेगेंडा फैलाने आ रहे हैं, गोबर वहाँ कराया पे। हाँ तो वो होगा, अरे वो लाल चीटी वाला है ना शायद, वो ध्यान से देखना। आज मऊ में अलग अलग जगहों पे जाएंगे, बुनकरों के पास जाएंगे और कहाँ जाएंगे? बुनकरों के पास जाएंगे, कुछ गाँवों में जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे, कुछ बैठेंगे, बतियाएंगे, ये सब कुल मामला होगा। और काउंटडाउन अब है, मतलब टुवर्ड्स द एंड है हम लोग, जहाँ पे हम लोग लॉन्च बैक होंगे फिर से वाया बनारस, फ्रॉम बनारस टू दिल्ली नोएडा, ऐसा कुछ होगा हम लोग का हिसाब किताब। बनारस में हमारा अड्डा होने वाला है 26 तारीख को, उसकी सूचना और उसकी उसमें क्या क्या आधिकारिक सूचना, ब्लूटिक वाली सूचना। जेरी जी का देखो, जेरी जी जब कोई वैल्यू एडिशन करते हैं बातचीत में, चेहरा देखो इनका। नहीं बोलेगा अब मैं कुछ। और जेरी जी के बारे में एक और चीज़ बताने वाले हैं, जेरी जी अब कैमरे पे नॉनवेज नहीं खाएंगे। नहीं मतलब क्या हुआ था यार, ऐसे लोगों ने कमेंट किया, या ताशा भूजा खा रहे थे वहाँ पे लोगों ने। हाँ लोगों ने कमेंट किया कि यार कि वैसे जेरी एकदम जानवरों के प्रति इतना वो हो रहता है, प्यार भरा संदेह और ये सब चीज़ें, और मतलब वैसे कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड चिकन खा रहा है, तो मतलब भाई देखो एक फूड साइकिल है, उसको छोड़ दीजिए। और मैं ऐसे जानवरों के प्रति मैं ज़्यादा वो रहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो जंगल है ना वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा है हमारे, और वो जंगल ख़त्म होता जा रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत है। तो मैं उसको लेकर थोड़ा सा वो हूँ कि हमें इसको बचाना चाहिए, और ये सब जंगली जानवरों को खासकर बचाना चाहिए हमें, जो जंगली। मैं तुम्हारी बात को कहूँ इजाज़त हो तो मैं तुम्हारी बात को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। हाँ जेरी का मतलब है, और जो बात मुझे भी कमेंट में लिखी गई कि नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि हम लोगों ने याद है बिहार में एक वीडियो किया था, उसमें मैंने मटन खाया था, मेरे थंबनेल पे तो मेरी फ़ोटो भी है ऐसे मुंह पे कॉर्ड डालते हुए, तो उस पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था, और इस पर भी कमेंट किया था कि स्क्रीन पे नॉनवेज मत खाइए। मतलब जेरी जो कह रहा है कि हम जानवरों के प्रति सहिष्णु हैं, और फिर भी क्यों होते हैं जानवरों के प्रति सहिष्णु होना, और इस मानव जीवन के प्रति कृतज्ञ होना, कि हम अपनी वर्किंग, हम कैसे मानव बने, मनुष्य बने, हम इवॉल्व कैसे हुए, ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरी इकोलॉजी कैसे चलती है, फूड साइकिल कैसे चलती है, उसको एक्नॉलेज करना, उसको संजोने की कोशिश करना, वो मैं कहता हूँ जेरी उस पर ज़्यादा भरोसा करता है। हाँ। कि सब कुछ बचा रहे, फूड साइकिल भी इंटरप्ट ना हो, चलती रहे। और मतलब ये तो है नहीं ना कि यार हम लोग को ये ऐसा दुर्लभ कुछ ऐसा दुर्लभ मटन खा रहे हैं जिसको बचाने की जरूरत है, और हम लोग उसको खा रहे हैं। हाँ मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज का भोजन भोग तो नहीं कर रहे हैं, या गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, जाहिर सी बात है। और मेरी ख्याल से काफ़ी लोग खाते होंगे इस देश में, इस दुनिया में, मतलब जो हम लोग खाते ही हैं, जो हम लोग खा रहे थे, तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है अब लोगों ने ये चीज़ नोटिस कराई है। तो मैं और मिला जुला के हमको तो फूड वूड पे यही लगता है कि भाई जिसका जो मन हो खाओ, और कोई किसी को खिलाने की कोशिश ना करे, कोई किसी को ना खिलाने की कोशिश ना करे, कोई इसको हौसला यार इसको बोले भी नहीं है यार, ये लड़ने लगता है सीरियसली, ना खिलाने की कोशिश ना करे। मैं दोनों ही मैं दोनों पे बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों से बहुत सख्त नफरत करता हूँ जो बोलते हैं कि अंडा देते हैं और बोलते हैं पनीर समझ के खा जाओ, गलत है यार, कोई नहीं खा रहा है छोड़ दो, क्या करना है ये सब। अंडा समझिए तो पनीर समझ खा जाओ। अरे वो टीवीएफ का वीडियो भी है ना क्या नहीं देखा मैंने। अरे वो टीवीएफ नहीं कोई और है जो जिसमें वो आता है तन्मय भट्ट आता था, जिसमें एआईबी था, वो एआईबी का वीडियो था उसमें। तो उसमें बताता था वो कि एक अपने दोस्त को चिकन ऑफर करता है, वो दोस्त वेजिटेरियन है, तो बोलता अरे उसको बहुत लंबा भी रिलेशन समझता है, तो बोला क्या है, तो बोलता है कॉटेज चीज़, तो बोलता है कहाँ से आया है, यहाँ से आया, वो क्या करते थे, वो ये करते थे, अच्छा तो ये वो ये करते थे, तो समझ का तो ये है, अब ये पनीर है, ये क्या है, चिकन है, चिकन कहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से, तो बताता है 5 मिनट तो बोलता है कि तो इसको पनीर समझ के खा जाओ। अच्छा वो बड़ा मुझे याद नहीं है, वो टेढ़ा सा है, तो खाइए यार जो मन करे खाइए। हाँ मतलब ये तो देखिए अब एक चीज़ वो है कि रियल लाइफ में वो अब कैमरे पे ना खाओ। हाँ, तो हम कैमरे पे मत खाओ, ये हम ना खाओ समझा जा सकता है। ये कहावत है, हम पता नहीं तुमको पता होगा, कहावत हम लोगों के यहाँ कि कंबल ओढ़ के घी पीना, कंबल ओढ़ के घी पीना। मतलब मैं उसको थोड़ा सा मोटे सेंस में अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे शायद, मतलब ये है कि भाई आपको घी खाना है तो कंबल ओढ़ के छुपा के खाने की क्या जरूरत है। वो शेमिंग टाइप की जो चीज़ है ये शेमिंग करना कि भाई मत खाओ, या एक ऐसा सोसाइटी बनाने की कोशिश जहाँ पे मैं ये बताने से डरूं कि साहब मैं ये खा के आ रहा हूँ, या मैं ये खाने में रुचि रखता हूँ, ये बताने से डरना ये गलत है, मत करिए ये, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, हम सभी लोगों के लिए कि हम खा के बात कर सके, हम खा के चिंतन क्रिटिसिज्म विचारों का आदान प्रदान चलता है, हम एक्सेप्ट कर सकें, हम बात कर सकें, हम कहीं ये डर के ना रहें कि साहब हम ये कर देंगे तो हमारे साथ ये गलत हो सकता है। एक बड़ा समाज बनाने की कोशिश है, ऐसा एक बहुत बड़ा एक ऐसी बहस चल पड़ी है कि भाई इस तरह के समाज का निर्माण कर दिया जाए जहाँ पे लोग यही खाएँ या ये नहीं खाएँ या ऐसा हो वैसा हो। बहुत फालतू की बहसें हैं, सब दुनिया में लोग रहते हैं, सबको खाना पीना, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपको ही नहीं आ, नहीं मतलब एक बाउंड्री तो तय होती ही है, तो वो बाउंड्री कुछ लोग इधर पुश करना चाहते हैं, कुछ लोग उधर पुश। जेरी ने भी कहा कि मतलब अब उतना आतताई नहीं हो जाना है कि हम इंडेंजर्ड स्पीशीज को भी लेके बोलने लगे यार ये खाइए वो खाइए ऐसे करिए वो करिए। मुझे एक बंदा याद है कि वो मिर्ज़ापुर में कहीं मुझसे मिला था, मैं बहुत पहले चुनाव में गया था कहीं पे या किसी काम से गया था, तो मिर्ज़ापुर में उससे मिला और वो उसने मुझसे कहा, उसके गांव में मैं रुका था, तो बता रहा था कि सर खाएंगे और इधर में पूर्वांचल में एक आदत है लोगों की, नॉनवेज बनाएंगे उसको शिकार बोलेंगे। हाँ उसको शिकार बोलेंगे, मतलब कसाई की दुकान से मुर्गा खरीद के लाएंगे और बोलेंगे आज शिकार बनेगा भैया। हाँ जैसे खुदे बाण मार के उतारे हों, खुदे बाढ़ मार के मुर्गा मार दिए हो या बकरे का शिकार किए हो। प्राचीन लोग अच्छे थे तो भाई तो बोला भैया खाएंगे आज शिकार बनेगा। हाँ हमले हाँ खा लेंगे, तो हमको भला शिकार उकार कुछ होगा, और वो उधर का इन्फ्लुएंसर कुछ प्रधान उधान टाइप का था, तो हम बोले क्या बना है, हम बोला क्यूरियोसिटी में पूछ भी लें, तो बोला तो भैया आज हम लोग मोर बनाएंगे। सीरियसली यार मेरी हालत ख़राब हो गई सुन के, हमने यार मैं नहीं खा पाऊँगा, और मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ का जो भी एसपी है, यहाँ का जो भी एसओ है, थाने का इंचार्ज है, मैं बताने जा रहा हूँ उसको। मैंने वहाँ का एसएचओ जो था मेरा परिचित था, तो मैंने उसको बता भी दिया बाद में कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, इसको रुकवाओ यहाँ पर। वो मोर राष्ट्रीय है हमारा, नेशनल हमारी राष्ट्रीय चिन्हों में से एक है, पक्षी है वो, राष्ट्रीय पक्षी, तो कैसे खा सकते हो आप, तो वो गलत है, गैर कानूनी है। तो मोर को तो वैसे भी संरक्षण मिला हुआ है, तो ये कुछ भी कर लेने की जो हवस है उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। हाँ मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि और इस तरफ ही बाउंड्री पुश हो। हेलो और आगे तो ना ही बढ़े। अरे जरूरी कॉल है क्या? चलिए ये लंबी बहस है थोड़ी सी, नहीं सच में लंबी बहस, सॉरी मेरा फोन आ गया था, हम लोग और बार ऑफिस से फोन आ रहा है, डिस्कस कर भी चुके हैं। हाँ वेज नॉन वेज काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। हाँ तो ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग आजमगढ़ में हैं, तो आजमगढ़ में मटन बहुत फेमस है। जेरी एक बार आ चुके हैं पहले यहाँ पे ना, कालिका का मटन। हाँ यहाँ का एक नॉनवेज की चेन है जो बहुत फेमस है, वहाँ पे मैं और जेरी कल हम तोड़ने वाले हैं। कल तोड़ेंगे कि आज दोपहर के लंच में? दोपहर तक आ जाएंगे हम वापस। हाँ हाँ आ जाएंगे, हाँ तो कर सकते हैं, हाँ दोपहर में भी तोड़ सकते हैं हम लोग। हाँ तो ठीक है, हम लोग दोपहर में कुछ तोड़ने वाले हैं भोजन, तो व्लॉग शूट किया जाएगा वहाँ पे फूड व्लॉग शूट किया जाएगा। हाँ, और हम लोग इस अप्रहेंशन से बाहर निकलेंगे, हम लोग एक अच्छा एक सुघड़ और एक स्वस्थ नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब है ना, इंसान को स्वस्थ रहना चाहिए ना, कि मतलब ये सब चीज़ें ठीक है, जिसको जो खाना है वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। खाना और पहनना पर्सनल चॉइस होती है, उस पर आपको नहीं टोकना चाहिए कि आप वो क्या खा रहे हो और क्या पहन रहे हो। ठीक है ना, कोई कैसे भी कपड़े पहन सकता है, कोई कैसा भी खाना खा सकता है। तो वो उस बहस में मेरे को लगता है कि हम लोगों को नहीं जाना चाहिए कि आप ये खाइए, किसी पे थोपना नहीं है हमें कि आप यही खाना है आपको। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसको दूसरे इंसान को भी नॉन वेजिटेरियन खिलाएं, तो ये ठीक नहीं है। तो उसकी मर्ज़ी है, जो वो खाना चाहता है खाए। एक कहावत है, और एक कहावत के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आयुष जी जो हैं, रात को सूर्यास्त के बाद न खाने वाली जो उनका व्रत है, उस पर बहुत मुस्तैदी से टिके हुए हैं। और मैं ये कई बार ये दर्ज करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस मुस्तैदी से इसका पालन किया है, सूर्यास्त के बाद न खाने वाली जो अपनी कसम का, मैं कायल हूँ इनका यार। मैं मतलब मुझे भूख लग जाती है, मैं खाने की ओर देखना चाहता हूँ, लेकिन आयुष I mean दिस गाय सीरियसली मतलब कमिटिंग टू अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस पकोड़े खा लेता है। हाँ, पकोड़े खा लेता है, बढ़िया छने हुए जो बढ़िया हरी चटनी के साथ मिल जाए और साइड में सॉस लगाओ, चाट मसाला डला हो, तो फिर तो चल जाता है। अच्छा, और क्या खा लेते हो? चाट और बढ़िया स्वीट कॉर्न हो, उनको तल के छान के फिर से ले आए, कोलेस्ट्रॉल भर के। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ मीठा भी आता है ना शायद, उसके बाद केक वेक भी चल ही जाता है थोड़ा बहुत। कॉफी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लिट्टी चोखा तो चलता ही है। लिट्टी चोखा तो मजबूरी में, देखिए मजबूरी है। तो आयुष जी, अरे यार मेहमानों के यहाँ जाना इतने प्यार से ले आते हैं, तो अब ऐसे मना नहीं क्या, किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हुए। हाँ ठीक है, ओके, मेजबान बोलेंगे, मेजबानों के यहाँ। मेरी जुबान फिसल गई। तो आयुष जी, मतलब मैं बस सच में बता रहा हूँ, ये टिके हुए हैं। मतलब मुझे भी कई बार रश्क हो जाता है इनसे कि यार ये खा, इतना वो डिटर्मिनेशन वाला आदमी है। हाँ, ये इतना डिटर्मिनेशन, मुझे मन कर लेता है कि मैं खा लेता हूँ कभी कभी ना, तुम नहीं खाते। हाँ, तो चलिए, अब मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अगली रिपोर्ट में, अगले वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा लल्लनटॉप यूपी देखते रहिएगा, और फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।